हेलो फ्रेंड्स बीबी गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कि अभी जैसे अगस्त मंथ है एंड हो रहा है अगस्त का और सितंबर आने वाला है तो अगस्त एंड में सितंबर में आप कौन से फूलों के बीज लगा सकते हैं या सीड से आप किन प्लांट को उगा सकते हैं तो कुछ गर्मियों वाले होंगे कुछ सर्दियों वाले होंगे गर्मियों में सबसे पहला प्लांट है बिंका बिंका के जितने भी प्लांट होते हैं इस जमीन पर बहुत सारे सीड बनते हैं आप उनको कलेक्ट करके फरवरी में भी उगा सकते हैं नहीं तो इस समय उगाएंगे तो सारे के सारे सीड उग जाते हैं क्योंकि वो फ्रेश होते हैं तो देखिए मेरे से किसी ने पूछा था कि आप कौन सा फर्टिलाइजर देते हैं सर्वजीत कौर ने पूछा था तो देखिए मैं अपने बिंका के प्लांट को गोबर खाद और डी का फर्टिलाइजर देती हूँ तो देखिए ये है मेरे बिंका के प्लांट इस समय इनमें बहुत सारे सीड बन रहे हैं देखिए अभी ग्रीन ग्रीन है कुछ जो पक जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं तो नीचे प्लांट उगाते हैं तो इस समय बिंका के प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए सर्दियों में थोड़ा शेडी प्लेस में रखना है कोहरे वगैरह से बचाना है तो फिर जनवरी एंड में फरवरी में ये फिर ये फूल देने लग जाते हैं तो देखिए बिंका के प्लांट जहाँ भी आपने लगाए होंगे जो भी सीड बॉड पक जाता है और उसके बीज नीचे गिरते हैं तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे जो बिंका के प्लांट उगाते हैं तो अगर आपको नेक्स्ट सीजन के लिए बिंका भी लगाना है तो आप बिंका के सीड लगा सकते हैं नहीं तो जब सीड पक जाए तो कलेक्ट करके उनको आप रख भी सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए फरवरी में उगा सकते हैं दूसरा प्लांट है जिसके सीड आप लगा सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए प्लांट तैयार कर सकते हैं तो वो है एडेनियम देखिए मेरे ये छोटे शुट छोटे ग्राफ्टेड एडेनियम है इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं तो ग्राफ्टेड एडेनियम पे भी सीड बनते हैं मगर जो देसी वाला होता है सिंगल पैटर्न वाला उसमें बहुत सारे सीड बनते हैं उनको आप उगा सकते हैं तो मेरे से किसी ने पूछा था कि इनको रेनी सीजन में और विंटर में कैसे इनकी केयर करते हैं तो विंटर में इनको शेड प्लेस में रखना होता है जहाँ इन पर कोहरा वगैरह ना पड़े और रेनी सीजन में ओवर वाटर से बचाना होता है तो हमेशा जब भी, भी अडेनियम खराब होगा ओवर वाटर की वजह से ही खराब होता है तो दोनों सीजन में अपना ओवर वाटर नहीं करना है और देखिए ये इसके सीड होते हैं अडेनियम के तो साइड वाले जो पंख है आपने उनको हटा लेना है और देखिए इस तरीके का बीच वाला जो सीड होता है तो इस तरीके से आपने उनको लगा देना है जो गार्डन सॉयल और रेत में देखिए इस तरीके से मैंने लगाए थे ये वाले सीड और बहुत ही अच्छे से प्लांट उगाए हैं और इनको लगा के आपने ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देनी है कि ये डक जाए और देखिए पंद्रह बीस दिन के बाद या हफ्ते के बाद जो प्लांट उगाते हैं मेरे जो प्लांट आप देख रहे हैं कम से कम ये एक महीने के प्लांट हैं जो मैंने सीड आपको लगे हुए दिखाई ये वही प्लांट है तो इस तरीके से सीड से बहुत ही ईजिली इन दिनों एडेनियम ग्रो हो जाता है ये मैंने एक महीना पहले ग्रो किए थे इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर ये है वेजल का प्लांट तुलसी की तरह ही ये प्लांट होता है बहुत ही गुनकारी प्लांट होता है और फूल भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं इसके तो इसके पत्तों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी होती है किचन में भी हम इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं चटनी वगैरह बनाने में तो अगर आप इसको अपने गार्डन में उगाना चाहते हैं सीड से तो इस समय बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि इस समय इस पर बहुत सारे सीड बनते हैं और फ्रेश सीड हम जब उगाते हैं तो वो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो देखिए मेरे प्लांट में कितने ही फूल खिले हैं और उतने ही ज़्यादा सीड बने हैं और जो नीचे गिरे हैं तो देखिए कितने ही प्लांट नीचे उगाए हैं नेक्स्ट प्लांट है रेन लिली तो रेन लिली खासकर जो पीले वाला रेन लिली है तो इसमें मेरे प्लांट में बहुत सारे सीड बन रहे हैं तो इसको जो है बल्ब इसके ज्यादा अभी मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं जितने मैंने बल्ब लगाए थे उतने के उतने ही हैं मगर सीड से इसको ग्रो किया जा सकता है अपने प्लांट को बढ़ाने के लिए ये देखिए ये इसके सीड पॉट है एक सीड पॉट से भी आपको दस से भी ज्यादा सीड मिल जाते हैं जब ये देखिए इस तरीके से पतले पतले ब्लैक कलर के साइज काफी बड़ा होता है इसका तो देखिए थोड़े पतले पतले साइज के होते हैं तो इस समय उगाने का इनका यही मतलब है कि इस समय बिल्कुल जो है फ्रेश सीड है तो ये इनका जो रिजल्ट है हमें अच्छा मिलता है ये देखिए इस तरीके से ये मैं बिल्कुल अभी अभी तोड़ के आपको दिखा रही हूँ तो इस समय कम से कम भी ये बीस या तीस से भी ज्यादा जो है सीड है तो मैं इनको अभी उगाऊंगी तो देखिए इस गमले में मैंने बहुत सारे जो है लगाए थे सीड तो जो आपको पतली पतली पत्ते दिख रहे हैं ये इसके सीड से ग्रो हो रहे हैं प्लांट तो देखिए अभी मैं और दूसरे गमले में लगाऊंगी इस गमले में मैंने पहले भी सीड लगाए थे तो देखिए अभी मैं आपको लगा के बता रही हूँ ब्लैक ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं यही इसके सीड हैं इनको बहुत गहरा नहीं दबाना है आपने क्योंकि ये थोड़े से पतले पतले होते हैं बहुत मोटे नहीं होते हैं तो इस, तरी, इस तरीके से इन पर ज्यादा मिट्टी की लेयर नहीं डालनी है थोड़ी थोड़ी मिट्टी इनके ऊपर डालनी है कि थोड़े से ये डक जाए ऊपर से आपने थोड़ा सा पानी दे देना है ज्यादा पानी नहीं देना है इस समय तो देखिए इस तरीके से जो प्लांट है वो गाते हैं ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पतले पतले प्लांट तो ये सभी सीड से ग्रो हो रहे हैं तो इस तरीके से जो सीड से रेन लिली को भी ग्रो किया जा सकता है इन दिनों तो ये देखिए गोफरीना है गोफरीना इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा होता है और जो इसके सूखे हुए फूल होते हैं तो जैसे ही हम उसको मिट्टी में डालते हैं तो तुरंत वो उगना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो बिल्कुल फ्रेश सीड होते हैं तो ये आसानी से उगाते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट सीजन के लिए गोमफरीना के प्लांट उगाना तो इस समय आप सूखे हुए फूलों को मिट्टी के टच में लाइए तो देखना हफ्ते के बाद आपको इस तरीके के प्लांट जो है मिल जाते हैं मैं जहाँ भी मुझे सूखे फूल गमले में मिलते हैं तो मैं किसी किसी गमले में डाल देती हूँ तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे गोमफरीना के प्लांट मेरे पास हो गए हैं इस समय प्लांट है स्टॉक का तो स्टॉक मैंने विंटर में लगाया था तो मेरे पास इसके सीड पड़े हुए थे ये एक प्लांट पे सीड बने थे तो मैंने उनको रखा था संभाल के क्योंकि इसका जो सीड पॉट होता है काफ़ी मजबूत होता है इतनी आसानी से खुलता नहीं है तो सीड बहुत ही सेफली उसमें रहते हैं तो देखिए आज मैं उनको आपको दिखा रही हूँ ये देखिए सीड बोर्ड मैंने आज खोला है और कुछ जो है सीड मैंने क्यारी में लगाए हैं कुछ मैं आपको गमले में लगा के बताती हूँ ये देखिए बिल्कुल जो है छोटे होते हैं बहुत छोटे तो नहीं होते हैं और तो थोड़े थोड़े छोटे होते हैं और बहुत ही पतले पतले होते हैं स्टॉक के सीड और ये सिंगल पेटल वाले हैं डबल पेटल में नहीं बने थे सीड और ये देखिए इस तरीके से आप इनको लगा दीजिए और थोड़ा सा पानी दे दीजिए बारिश में नहीं रखना इनको बारिश में रखेंगे तो ये खराब हो जाएंगे ऐसी जगह रखना है जहां इनको दिन भर अच्छी ब्राइल और दो तीन घंटे की धूप मिल जाए और बारिश हो तो आप इनको गमला उठा लीजिए वहां से तो इस तरीके से जो है स्टॉक के प्लांट आपको फ्री में मिल जाएंगे नर्सरी रोड यही प्लांट आपको बीस पच्चीस रुपए का एक प्लांट मिलता है तो सीड से ग्रो करिए चाहे आप सीड शॉप से इनके सीड ले आइए और ग्रो करिए नेक्स्ट प्लांट है देखिए ये मैरीगोल्ड तो इस मैरीगोल्ड को भी आप इस समय सीड से ग्रो कर सकते हैं मेरे पास इसके सीड तो नहीं है इस समय मगर मैं कल किसी के घर गई थी वहाँ से मुझे कम से कम भी आठ से दस प्लांट मिले इसके काफ़ी बड़े बड़े साइज के तो वही मैं अभी ग्रो करूँगी क्योंकि नर्सरी में भी अभी ये नहीं मिलता है तो अगर आप कहीं मंदिर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ से इसके जो है फूल वगैरह मिल जाते हैं सूखे हुए तो वहाँ से आप लेके उनको ग्रो करिए ये देखिए ये मुझे मैंने ये अभी कल ही लाए हैं अभी मैंने एक गमले में इनको रखा है सेपरेट करके नहीं लगाया है तो कम से कम भी ये आठ दस प्लांट हैं मैरीगोल्ड के तो अभी मैं इनको सेपरेट करके लगाऊंगी तो आप मैरीगोल्ड को इस समय सीड से ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट प्लांट है देखिए ये डाइंथस तो डाइंथस भी जो है सीड से ग्रो हो जाता है इसके सीड आप सीड शॉप से या ऑनलाइन वगैरह मीशो वगैरह पे भी मिल जाते हैं अमेजोन पे भी मिल जाते हैं तो वहाँ से लेके आप ग्रो कर सकते हैं अगर आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट सीड से ग्रो करते हैं तो अभी समय इनका आने वाला है अगस्त एंड में सितंबर में अक्टूबर में इनकी जो है सीडलिंग कर सकते हैं सीड से इनको ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट प्लांट है पिटूनिया पिटूनिया भी जो है मिलना शुरू हो जाता है अक्टूबर में इसकी जो है सीडलिंग नर्सरी पर मिलना शुरू हो जाती है अगर आप चाहते हैं कि आप नर्सरी से प्लांट ना लें आप खुद ही सीड से बहुत सारे प्लांट ग्रो करें तो आप इस समय इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में इनकी जो सीड है वो मिल जाते हैं तो नहीं तो नर्सरी पर यही प्लांट आपको बीस पच्चीस रुपये का मिलता है तो अगर आप ज़्यादा प्लांट उगाना चाहते हैं तो इस समय पटूनिया के भी प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं देखिए पटूनिया जो है सर्दी की शुरुआत से लेके अप्रेल मई तक इसमें फूल आते हैं नेक्स्ट प्लांट है साल्बिया साल्बिया भी जो है सीड से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है अगर आप कोई अच्छा लगता है बहुत सारे अलग अलग कलर्स में मिलता है रेड वाइट पर्पल तो इस तरीके से जो है पीला रंग भी इसमें आता है लाइट पीला रंग तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं इसके भी सीड आसानी से आपको मिल जाएंगे और ये भी सर्दियों की शुरुआत में ही हमें अक्टूबर में ही नर्सरी पर मिलने शुरू हो जाते हैं इसके छोटे छोटे प्लांट तो अगर आप इसको सीड से ग्रो करना चाहते हैं अगस्त एंड में सितंबर में इसको आप ग्रो कर सकते हैं और इस तरीके के जो प्लांट हैं बहुत ही कम प्राइस में सीड से आपको ग्रो हुए मिल जाएंगे प्लांट है गजानिया तो गजानिया भी बहुत ईजिली सीड से ग्रो हो जाता है और सीड से इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं इस तरीके के जो प्लांट है जब हम नर्सरी लेने जाते हैं तो यही बीस पच्चीस रुपये का तीस रुपये का प्लांट मिलता है तो सीड से अगर आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट उगाना चाहते हैं तो इनको भी अभी उगाने का समय आ गया है क्योंकि अभी सर्दी आहिस्ता आहिस्ता जो है कम होने लगेगी बरसात भी खत्म होने लगेंगी तो सर्दियाँ फिर आने लगेंगी तो फिर जब सर्दियाँ शुरू हो जाएँ फिर इनके सीड नहीं लगाए जाते थोड़े से पहले ही लगाए जाते हैं तभी सर्दियों में सर्दियाँ आते आते ये फ्लावरिंग देने लगते हैं तो इनको आप उगा सकते हैं इस समय और ये है इम्पेशस ये भी जो है कटिंग से और सीड से ग्रो हो जाता है तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं डिफरेंट कलर में मिलता है तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय हैप्पी गार्डनिंग